हेलो फ्रेंड्स, राम राम सभी को। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ सभी बहुत ही ज्यादा अच्छे होंगे और हम सब भी ठीक हैं। स्वागत है आपका फिर से एक नए व्लॉग में। और आज है वेडनेसडे, बुधवार, और 12 तारीख हो गई है और कल 13 तारीख है और कल जा रहे हैं हम पूना। तो कल सुबह 5 बजे हम घर से निकल जाएंगे। तो आज ही हमने सारी पैकिंग और सब कुछ रेडी करके आज ही रख लेना है। तो कल सुबह तो हम बस वो खाना ही बना के ले जाएंगे जो हमने ट्रेन में खाना है। तो इसलिए सारी पैकिंग रात को ही करके पूरा पैक करके सोएंगे। तो आज तो हमारे पैकिंग ही चलने वाली है। तो चलो अभी पहले काम निपटा लेते हैं और फिर पैकिंग वगैरह करते हैं। और आज वैक्स भी करनी है तो आज भी ढेर सारे काम है। तो लग जाते हैं अभी कामों में। और अभी सुबह सुबह मैं लग गई हूँ सुमित के लिए लौकी का जूस बनाने। तो खाली पेट पिएंगे सुमित, और इससे है ना वेट भी लूज होता है। तो इसलिए सुमित बोले आज मेरे लिए लौकी का जूस बना दो। तो यहाँ भी लौकी को मैं कद्दूकस कर रही हूँ और फिर मैं इसमें मिला दूंगी ब्लैक सॉल्ट और छोटा सा ही अदरक का टुकड़ा भी इसी में कद्दूकस कर लूंगी। और इसमें नींबू का रस भी मिलाते हैं लेकिन नींबू का रस है नहीं, तो बस ये चीजें मिलाऊंगी। और फिर है ना इससे सॉल्ट से है ना इसमें पानी हो जाएगा। लौकी में वैसे भी पानी होता है, इसमें सॉल्ट मिलाने से और ज्यादा पानी हो जाएगा। तो फिर मैं इसको निचोड़ लूंगी और जूस बन के तैयार हो जाएगा। तो ऐसे लौकी का जूस बनाती हूँ मैं। ये देखो जिंजर और लौकी दोनों कद्दूकस कर दी हैं। अब इसमें मिला लेती हूँ ब्लैक सॉल्ट और इसको ना ब्लैक सॉल्ट डाल के और रख दूंगी थोड़ी देर के लिए। इसको निचोड़ लूंगी, हाथ से निचोड़ लो या कपड़े से निचोड़ लो तो पानी निकल ही जाएगा इसका। तो थोड़ी देर के लिए रख देते हैं। और अभी मैं कर रही हूँ वैक्स करने की तैयारी। तो वैक्स करने का सारा सामान निकाल लिया है, वैक्स हीटर, पट्टियाँ और वैक्स का डिब्बा। तो अभी पहले मम्मी को करूँगी और फिर मैं अपना करूँगी। और मेरे उससे खुद से नहीं हुई ना, कभी कभी नहीं होती तो फिर मम्मी से करवा लूँगी। ऐसे ही कर लेते हम तो सासू, वो मम्मी मेरे को कर देती और मैं मम्मी को कर देती हूँ। ऐसे ही फेसियल किया था हमने, तो बस अभी लगा दिया है हीटर। और अभी मैं करने लगी हूँ हेयर स्पा। तो मुंह तो चमका लिया, अभी बालों को और चमका लेते हैं। और ये डिब्बा रखा था 2 साल हो गए, तो इसकी डेट जाने वाली थी और इसमें काफ़ी बचा हुआ था स्पा। तो मैंने सोचा मैं अभी कर ही लूँ, इसका फ़ायदा उठा लूँ, नहीं तो आऊँगी ना तब तक डेट चली जाएगी। तो ये सारा ही आज लगा लिया है मैंने बालों पे। और ऐसे थोड़े थोड़े बाल लेके और पूरा नीचे तक ऐसे मसल मसल के लगा लिया है। और फिर मैंने कंघी कर ली थी, तो कंघी करने से है ना ये हेयर स्पा तो सारे बालों में अच्छे से लग गया था। और फिर इसको मैंने आधा 1.25 घंटा रखा था और बीच बीच में मैंने ऐसे तो लिए गर्म पानी में भिगो भिगो के और वो बांध लिए थे और उसके बाद फिर सिर धो लिया था। और अभी शाम के बज गए हैं 7:30 और मैं लग गई हूँ खाना बनाने। और हम मार्केट चले गए थे इसलिए थोड़ा लेट हो गई। और ये देखो मैंने बाल भी धो लिए, बिल्कुल सिल्की चिकने बाल हो गए स्पा करके। ये देखो कितने सुंदर, हाथ लगाने में ही ऐसा मजा आ रहा है, बिल्कुल अच्छे बाल हो गए हैं। और बस अभी जल्दी जल्दी फटाफट खाना बना लेती हूँ क्योंकि मैंने अभी पैकिंग नहीं की है। मम्मी अभी पैकिंग करने लग गई और मैं खाना बना के फिर पैकिंग करूँगी। तो पैकिंग करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, पहले मैं खाने का काम निपटा लेती हूँ खा पी के और फिर पैकिंग में लगूँगी। तो अभी बना लेती हूँ खाना। और अभी मैं बनाने जा रही हूँ नमकीन। तो नमकीन के लिए मूंगफली फ्राई कर दी है, तो सुमित के लिए नमकीन भी बना जाऊँ खाली टाइम में, मतलब जब भूख थोड़ी मोड़ी भूख लगी है तो उसके लिए नमकीन बेस्ट है। और ये नमकीन मैं मुरमुरे और कॉर्न की बनाऊँगी, मतलब ये कॉर्न की पापड़ी सी हैं, बनी बनाई होती हैं, बस इनको तेल में फ्राई करना होता है। और तेल में डालते ही ऐसे फूल जाती है और इतनी कुरारी कुरकुरी लगती हैं, बिल्कुल एकदम टेस्टी। तो बस ये फ्राई कर रही हूँ मैं अभी। और उधर साइड में दूसरी कढ़ाई में रख रखी है मैंने मूंगफली फ्राई होनी, तो मूंगफली भी साथ साथ में फ्राई हो रही हैं और इनको भी डीप फ्राई कर रही हूँ मैं कॉर्न की पापड़ियों को। तो ये देखो मूंगफली भी फ्राई हो गई, इतना सारा सामान हो रहा है, मैं तो सूटकेस में देख लो कितना सामान हो गया, कितने सूट रख लिए, इतने 3 ने रखे हैं 4 सूट तो है, 7 होए हैं। अच्छा वो भी रख रहे हो, उधर भी तो 8वां सूट वो नीला है ना उधर, वो छोड़ दियो बतेरे हो गए थे। अच्छा ठीक है ना। सामान ठीक है, ठीक है।
तो अभी मूंगफली पक गई हैं और अब इनमें मैंने डाल दिए हैं मुरमुरे। और जब मूंगफलियाँ दी पक गई थी ना, तब मैंने हरी मिर्ची काट के डाली थी और स्टार्टिंग में मैंने राई और कड़ी पत्ते का तड़का लगाया था। और बस अभी इन मुरमुरों को थोड़ी मिलाया है, बस इतनी देर मैंने गैस चालू रखी थी और अभी गैस बंद कर दी है। और ये जो कॉर्न की पापड़ी थी ये भी इसमें डाल दी है, नमक वगैरह सब डाल रखा है। तो ये वाली नमकीन देखो बन के तैयार हो गई और बहुत ही टेस्टी लगती है ये नमकीन, सच में बना के देखना, बहुत ही टेस्टी लगती है। तो बन के तैयार है बिल्कुल। अभी रात के 12:30 बज गए और खाना पीना मेरा बन गया है। बस अभी बर्तन साफ करने रह रहे हैं और किचन साफ करने रह रही है, तो 1 बज जाएंगे ये काम होते होते और फिर मैं लगूंगी पैकिंग में और फिर देखेंगे, थोड़ा देर रेस्ट करेंगे और फिर सुबह तो हमने जाना ही है। और ये देखो क्या क्या बना दिया, पैक भी कर दिया ले जाने के लिए ट्रेन में, जो हम खाएंगे उसके लिए। देखो यहाँ रोटी पैक कर दी और ये नमकीन बनाई थी वो डाल दी इसमें, और ये बना दिया चूरमा, और इसमें है बर्फी जो कल बनाई थी बेसन की बर्फी, और इसमें सब्जी पैक कर दी है आलू की सूखी सब्जी, और यहाँ है दाल जो अभी शाम के खाने में बनाई थी दाल रोटी। तो इतनी सारी चीजें बना दी है मैंने शाम के खाने में, तो दाल रोटी बनाई थी और फिर बाकी ये सामान है, मतलब हम सुबह खाएंगे, कल क्या आज ही खाएंगे सुबह और दोपहर में खाएंगे, तो उसके लिए और सुमित के लिए भी। तो कल का सारा खाना बना दिया है और अभी बस बर्तन साफ करूंगी और फिर पैकिंग करूंगी, और साथ में मशीन भी लगा रखी थी इसलिए इतना लेट हो गई, 12:30 तो बज गए, अभी 1 और बजेगा। चलो अभी एक काम कर लेती हूँ और फिर लगती हूँ पैकिंग में। और अभी जो खाना पैक कर दिया उसको अभी बैग में डाल लेती हूँ। तो ये सारे डिब्बे मैंने एक थैली में डाल लिए हैं और थैली में डाल के इस बैग में डाल रही थी मैं, लेकिन ये छोटा बैग है इसमें बोतलें नहीं आएंगी, पानी की बोतल लेनी है और एक माजा की बोतल लेके आई हूँ मैं दुकान से, तो वो भी डालनी है, और नमकीन वगैरह बिस्किट वगैरह तो वो भी डालने, तो वो बैग छोटा पड़ रहा था तो इसलिए मैंने ये पिट्ठू बैग लिया है। तो इसमें सारी चीज़ें डाल ली हैं, बोतल भी आ गई, इसमें सारा सामान आ गया, मतलब खाने पीने का ये अलग बैग हो गया, ये बिस्किट नमकीन और टिश्यू पेपर वगैरह सब इसमें आ गए आराम से। एक बैग तो पूरा खाने खाने का हो गया, और पूरे किचन को देखो साफ सफाई कर दिया, ढेर सारे तो बर्तन थे, सिंक बिल्कुल फुलम फुल थी, और सारा किचन साफ कर दिया, बर्तन साफ कर दिए हैं, और अभी बज गया है 1:05 हो गई है, और अभी लग जाती हूँ पैकिंग में। और ये है मेरा इतना सारा सामान और इस बैग में रखूंगी अभी। और आज मार्केट गए थे ना हम, तो ये वाली टी शर्ट लेके आई एक, तो मैं ये वाली इस कलर की देखो कितना प्यारा कलर है ना, और एक ये लोअर लेके आई, और एक लोअर मैंने पहन रखा है, तो एक ये लोअर मैंने पहन रखा है ये वाला लेके आई थी। और अभी डाल लेती हूँ सारा सामान बैग में, ये टी शर्ट तो घर पहनने की रख ली, और ये लोअर है और जीन्स हैं, और वो बाहर जाने आने जाने की टी शर्ट है, और वो सारी ड्रेस हैं, मतलब फ्रॉक सूट है और सूट है। और कर लिया है मैंने बैग पैक, और एक ये हैंड बैग, दो बैग हो गए मेरे, और दो बैग मम्मी के, दो बैग मेरे। ये आपका आपका तो एक ही है ना, एक वो हैंड बैग है, हाँ, एक एक वो खाने का बैग हो गया, एक ये चूल्हे का हो गया, चार आइटम हो गए हमारे पास, खाने का पीछे टांग लेंगे, ये चूल्हे वाला हाथ में ले लेंगे, अरे ये गिरडाल लेंगे दोनों, इसके भी तो ओपन ही है, हाँ ये भी, ये भी गिरडान का है, ये भी गिरडान, ये तो गिरडाल। रात के 3 बज गए, हम सासू को सोए नहीं आई थी, सोचा है के सोएंगे 4 बजे तो उठना, 4 बजे भी कड़ा, 3:30 बजे उठना, 3 तो बज ही गए, चाय पानी पीवेंगे, 4:45 बजे फिर निकलेंगे, तो हम सोते ही नहीं आज, ट्रेन में ही जाके सोएंगे। बस बनी गई है मेरी चाय, और अभी चाय बना के रोटी खा के जाएंगे, बहुत तेज भूख लगी हुई है, और 4 बज गए हैं अभी, बस थोड़ी देर में अभी कैब बुक कर दूंगी और फिर हम जाएंगे पूना के लिए। तो अभी चलो इस व्लॉग का भी यही एंड कर लेते हैं, और मिलते हैं आगे एक और नए व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, वीडियो देखते रहना और पसंद आए तो लाइक जरूर कर देना, और जो चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर देना, बाय बाय।